आपको मैं फेस पैक बता रहा हूँ, घर में ही ऐसे जो पपीता मैंने दिखाया आपको, ऐसे पपीता, ये पपीता भी एकदम ऑर्गेनिक पपीता है जो हमने पतंजलि योगपीठ के गौशाला के अंदर खेत के अंदर बोया हुआ है। तो ये पपीता, और पपीता थोड़ा सा लिया और इसको पपीते को काट लिया। अभी मैं आपको फेस पैक इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत लोग अब लॉकडाउन के दौरान सैलून तो बंद है, ब्यूटी पार्लर बंद है, अब आपको फेस पैक लगाना है। ये बाद में मैं भी लगाऊंगा क्योंकि मुझे बहुत धूप में बैठा के रखते हो आप पिछले एक महीने से, तो मेरा चेहरा भी थोड़ा सांवला सांवला हो गया। वैसे तो सांवले हमारे भगवान कृष्ण जी भी हैं तो बाद में मैं भी लगा लूंगा। तो केला, पपीता, जरा सुनना गौर से, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, तो ये रेसिपी बता रहा हूँ। केला ले ले, ऐसे पपीता ले ले, और केला पपीता पका हुआ, और जो है इसमें केला पपीता के साथ साथ फिर इसके अंदर ले ले एलोवेरा। एलोवेरा को कैसे काटा जाता है, इसकी सब्जी भी बना के खाई जाती है, और इसको चेहरे पर भी लगाया जाता है, इसका जूस भी पिया जाता है। इसका तरीका यह होता है, ऐसे दोनों तरफ से काट लिया, ये तो बहुत हेल्दी पपीता है, हेल्दी केल, ये वो है एलोवेरा, एलोवेरा है। अब इसको ऐसे, इसका ये एक परत ऐसे निकाल करके इसकी ऐसे, और फिर इसके अंदर से ये ऐसे आ जाएगा। और इसको निकालने के लिए तरीका होता है, वैसे रसोई का मैंने ज्यादा काम नहीं किया हुआ है, लेकिन ऐसे 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 और इस तरह से जब ऐसे कर लेते हैं तो अपने आप फिर ये ऐसे निकलने लगता है। देखो ये अपने आप इसके पीस से बन जाएंगे, और ये पीस आप इसमें डाल लें ऐसे। तो एलोवेरा, पका हुआ पपीता, चिरौंजी, बादाम, ये डाल करके, और जिनको इसको सब्जी भी बना सकते हैं, थोड़ा सा इसमें नींबू डाल देंगे तो फिर इसकी चिपचिपाहट दूर हो जाएगी। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ें डाली, इसके अंदर ये बादाम डाल दी, 5-7 बादाम डाल दें ये तो ऐसे, और चिरौंजी, ये चिरौंजी है, ये खाने में इस्तेमाल करते हैं अक्सर लोग, ऐसी चिरौंजी डाल दी, और इसके अंदर शहद भी डाल सकते हैं थोड़ा, ये पतंजलि प्योर हनी है तो शहद जो है वो भी थोड़ी मात्रा में डाल देते हैं, तो शहद भी बहुत अच्छा है स्किन के लिए। तो शहद और ये सब डाल करके इसको मिक्सी में घुमा लेते हैं। तो मैंने मिक्सी भी मंगाई हुई है, और मिक्सी के अंदर भी इसको डाल करके घुमा देंगे। ये फेस पैक एक तो ये हो गया, ये जबरदस्त है किसके लिए, जिनका चेहरे पर झुर्रियां हैं, कालीमा आ गई है यहाँ पर, यहाँ पर पूरा का पूरा वर्ल्ड का नक्शा बन जाता है, पूरी बहुत बुरी हालत हो जाती है, इधर से काला काला हो जाता है और झाइयां आ जाती है, पूरा बहुत बुरी हालत हो जाती है। तो अभी जो है दूध इधर ले आएंगे, दूध जो है, वैसे हम पतंजलि गाय का दूध भी उपलब्ध कराते हैं, हमारे यहाँ पर गौशाला में भी दूध होता है। तो दूध, और एक रेसिपी और बता देता हूँ, कांच की वो दे देंगे बावल बड़ी वाली, एक तो ये फेस पैक बता रहा हूँ, दूसरा एक रेडीमेड है, आप देख रहे हैं मेरे साथ मंजीत है, यहाँ पर मुल्तानी मिट्टी है, एक और फेस पैक बनता है, ये गांव की भाषा में इसको मुंबई बोलते हैं, कोई वाल्मीकि बोलते हैं, दीमक इसको बनाती है, इसके भीतर सांप रहता है। इस मिट्टी को लेकर के और छान करके और रात को पानी में भिगो दे, ये मिट्टी और दूसरी है ये मुल्तानी मिट्टी, इन दोनों को मिला करके और इसका पैक बना देते हैं, और वो फेस पैक फिर चेहरे पर लगाते हैं। तो जिनके झुर्रियां करीब एक सप्ताह के अंदर झुर्रियां और स्किन बहुत ज्यादा ऐसे लूज हो जाती है बड़ी उम्र में,
तो एकदम से स्किन टाइट हो जाएगी, करीब 15 से मैक्सिमम 20 मिनट तक ऐसे रखें, जो ऐसा ना मिल सके जिनको मुल्तानी मिट्टी। और ये तो उसके लिए हमने मुल्तानी मिट्टी का एक ये पैक बनाया हुआ है। ये पैक तो मैं ही आपको थोड़ा बता देता हूँ, ऐसे इस पैक को ऐसे ले करके और ऐसे ही फेस के ऊपर ऐसे लगा लेते हैं, तो इस तरह से ही। अब ऐसे लगा करके और छोड़ दे थोड़ी देर। अब स्वामी रामदेव शायद थोड़ी देर में समझ में ना आए, मैं माथे माथे पर ही लगाऊंगा। स्वामी जी ये योग तो लाइव सिखाते ही हैं उन्होंने, अच्छी तरह से चेहरे का निखार कैसे आएगा ये भी आज लाइव सिखा दिया है। लेकिन बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे स्वामी जी योग आपने कैसे सीखा, ये तो सबको पता है, और ये पैक आपने एक से एक बनाने कैसे सीखे? ये मैंने जो बहुत सी माताएं बहनें मेरी शिष्या हैं, उन्होंने मेरे को बताया। मैंने कहा भाई तुम क्या क्या करते हो घरों में, मैंने आयुर्वेद में जो पढ़ा फिर उनका एक्सपीरियंस मैंने साथ में इसके साथ में जोड़ लिया। तो फिर ये फेस पैक जो मैं आपको बता रहा था, तो ये फेस पैक अभी इसको और घोटो थोड़ा, तो ये एक तो इसमें थोड़ा पपीता अभी पूरा नहीं घुला, बाकी बादाम घुट गए, चिरौंजी घुट गई है, तो इसको और थोड़ा घोट ले 2 मिनट। इसको कम से कम 5 मिनट तक ऐसे घोटना चाहिए। आप इसके लिए कह रहे थे ये जो बना है स्वामी जी इसको खा भी सकते हैं, और मैं पहली बार लाइव दिखा रहा हूँ क्योंकि स्वामी जी ये पहली बार है टेलीविजन के इतिहास में इसको घोट रहे हैं। मैंने सारा लोग स्वामी रामदेव का फेशियल लाइव देख रहे हैं। साधु लोग ना वो ऐसे हाथ में ऐसे लगा करके और वो त्रिपुंड ऐसे त्रिपुंड लगाते हैं, वही लग रहा है। तो मैंने ये आज ये मुल्तानी मिट्टी का त्रिपुंड लगा लिया है। और इसको ऐसे फेस पर लगा करके 15 मिनट बाद चेहरे को धो ले, तो ये एक तो ये फेस पैक है। दूसरा एक कांति लेप है, जिनको बहुत ज्यादा पिंपल्स रिंकल्स और चेहरे का बुरा हाल हो जाता है, तो एक कांति लेप है। इसमें सारी जड़ी बूटियां ये मंजीर से लेकर के चिरौंजी से लेकर बादाम से लेकर मुल्तानी मिट्टी से लेकर के सारी इसके अंदर जो है औषधियां हैं। इसके अंदर कत्था है, इसके अंदर सुगंध बाला है, इसमें आमा हल्दी है, इसमें जो है बड़ी इलायची है, इसके अंदर स्फटिका भस्म है। तो ये एक कांति लेप है। ये हम पतंजलि, एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जो हम पतंजलि की औषधियां बोलते हैं, चाहे मुक्तावटी है, मधुनाशिनी है, चाहे कांति लेप है, ये हमारे पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्रों पर ही मिलती है, ये ओपन बाजार में नहीं मिलती। अब आपको मैं ये कांति लेप बता रहा हूं, ये भी जबरदस्त है। तो कांति लेप को 3 तरह से लगा सकते हैं। एक तो इसको शहद में मिला के लगा सकते हैं, इसको कच्चे दूध में मिला करके लगा सकते हैं। जैसे ये दूध है, तो ये तो दूध ये गर्म ले आए, तो मैं ठंडे दूध में इसको मिलाता हूं। अच्छा स्वामी जी, बस इसमें मैं एक सवाल जोड़ दूं जो हमारे दर्शक फेसबुक पे पूछ रहे हैं, इसको ये जो आप पैक बता रहे हैं ये ऑयली स्किन वाले भी लगा सकते हैं? जी हाँ, ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत जबरदस्त है। ये जो अभी मैंने आपको बताया ये कांति लेप, ये कांति लेप तो ऑयली स्किन वालों के लिए रामबाण है। माने ऑयली स्किन वालों को एक ही दिन के अंदर लाभ मिलेगा और एक सप्ताह में उनकी ऑयली स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। जो आपको मैंने बताया अभी जो है, अब ये चम्मच देना भाई, ये अब पूरा तैयार हो गया। ये वाह, अब ऐसा हो जाता है देखो। अब ये बाजार में लगाएंगे तो कम से कम 5 से 10 हजार का लगेगा। वाह, घर में लगाएंगे तो मुश्किल से ये 25-30 रुपए का बन जाएगा।